तीसरी बार बनारस जिताने जा रहा है मोदी जी को। बिल्कुल मोदी मैं है। अखिलेश यादव तो कहते हैं सड़कों पर सांड खूब घूम रहे हैं, काम कहाँ दिखाई दे रहा है? सांड भी बाबा भोले की पहचान है। हाँ। नंदी महाराज है, घूमने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जैसे चाय वो बेच रहे, पूछ लीजिए। अच्छा, हम भी चाय, मोदी जी भी चाय बेचते। हाँ, मोदी भी चाय बेचते थे, हम भी चाय बेचते। प्रधानमंत्री बनेंगे। गाँव के विकास पे भी उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, आज भी कोई खास ध्यान नहीं दिया। आपके लिए शेम की बात होनी चाहिए कि इस देश के 80 करोड़ जनता को आपको दाल चावल देना पड़ रहा है। देश 75 साल आजाद हुए हो गया। बनारस में मौजूद हैं। बनारस घाटों का शहर कहा जाता है। बनारस में पान मशहूर है, बनारस में साड़ी मशहूर है। और बनारस में नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा कि बनारस की गंगा माँ ने हमें बुलाया है। चुनाव लड़ने आए बनारस ने, लगातार 2 बार उनको सांसद बनाकर दिल्ली भेजा। देश ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, सांसदों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या देश की जनता नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने जा रही है? क्या बनारस की जनता नरेंद्र मोदी को फिर से सांसद बनाने जा रही है? बनारस में मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बनारस किसके साथ है। चाय की दुकान है, बनारस का एक चौराहा है, चाय की दुकान से हम शुरुआत करते हैं। क्या माहौल है भैया, क्या हाल है? अच्छा है, सब ठीक है, बढ़िया है। मोदी जी का 10 साल कैसा रहा है? अच्छा रहा। चाय बेचते हैं, मोदी जी भी चाय बेचते थे, बताते हैं कि हम चाय बेचते थे। मोदी से प्रभावित हैं? अच्छा है, ठीक है। काम कराए हैं बनारस में? बहुत हुआ है काम। क्या क्या काम कराए हैं? अरे सब हुआ है, यहाँ का पूरा मंदिर विश्वनाथ जी का हुआ है। हाँ। सब चीज़ हो रहा है, अभी कुछ बाकी चाय है। चाय उबल रही है, बनारस का माहौल किधर जा रहा है? अभी तो चुनाव आ रहा है, राजनीति चालू होने वाली है। कुछ बोलती है महंगाई है, महंगाई की नहीं? कहाँ महंगाई, भाई हिसाब से तो ठीक ही है आपका। ठीक है, कमाई हो जाता है? कितना हो जाता है? कितना हो जाता है चाय का? 500-600। महंगाई नहीं है? क्या माहौल है बनारस? महंगाई नहीं है सर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ। मोदी जो हिसाब से जब से आए हैं तब से बहुत बढ़िया हुआ चल रहा है बनारस में। हाँ। मोदी में है बनारस? हाँ, मोदी में है। अब बनारस में मोदी अमीर आएंगे तो अमीर दिन भी आएंगे। इसकी बारी क्या करते हैं आप? है? क्या करते हम हैं? चाय बेचते, जैसे चाय वो बेच रहे, पूछ लीजिए। अच्छा, हम भी चाय, मोदी जी भी चाय बेचते। हाँ, मोदी भी चाय बेचते थे, हम भी चाय बेचते। प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, बिन भी बनेंगे, आप भी बनेंगे। हाँ। नहीं, अरे आप भगवान जाने आप लोग का आशीर्वाद है। बनते हैं, अरे आप लोग का आशीर्वाद है, और कोई बात नहीं है। बिन भी मंत्री वो बनने का उनका पूरा आस्था है कि बिन भी आएंगे वो। लेकिन इतनी बड़ी क्या काम कराए हैं बनारस? बनारस बहुत काम करवाए हैं, जो वो काम करवा दिए वो काम कोई नहीं करवाया है। क्या क्या काम? सब काम करवा दिए, रोड बनवा दिए, हर एक रिंग रोड पर बनवा दिए, सब कुछ बनवा दिए, हर एक चीज बनवा दिए। कोई ऐसा चीज नहीं कि मोदी जी ने छोड़ा नहीं है। मोदी का फिर बुलावा जा रहा है कि मोदी महंगाई है, महंगाई है, महंगाई बहुत है। जो हिसाब से महंगाई बढ़ा है वो हिसाब से कमाई भी सबका हो रहा है। ये नहीं कि महंगाई में महंगाई बढ़ा है तो कमाई नहीं हो रहा है। जो हिसाब से महंगाई है वो हिसाब से कमाई भी है। अच्छा, कमाई हो रहा है? हाँ, माहौल टाइट है। जो बात है जो बात सही बोल रहे भैया। बस चाचा है, बातचीत करते हैं। चाचा, बनारस लोकसभा है ये, मोदी जी यहाँ सांसद हैं। क्या तीसरी बार बनारस जिताने जा रहा है मोदी जी को? बिल्कुल, मोदी मैं है, मोदी मैं है। जितना विकास मोदी ने किया है कोई बनारस के किया अब तक? कोई नहीं किया, कोई नहीं। पहले भी तो भाजपा सांसद थी, भाजपा सांसद थी, वो बात दूसरी है। मगर मोदी के राज्य में जितना काम हुआ है, और यही बनारस ही नहीं, हर जगह हर क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ? अरे काम बहुत, गरीबों के लिए बहुत हुआ। हाँ, और महंगाई की बात जो आप अभी कर रहे थे, महंगाई जो है कांग्रेस से कमी है, समझ लीजिए। पहले तो 60 रुपया लीटर था, 50 रुपया लीटर डीजल था, अब तो 100 में है। अरे 100 में है डीजल, अकेल की बात मत करिए आप। गैस सिलेंडर 400 में था, 1200 में पहुंचा था। गैस सिलेंडर उज्ज्वला वाला जो है 650 का है, गरीबों के लिए। कहाँ 650? अरे 350 सब्सिडी हो गई। कहाँ आती है सब्सिडी? क्यों, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, हाँ बिल्कुल सब्सिडी आ रही है। उज्ज्वला योजना वाला कोई होता तो उससे पूछते हम। हाँ, उज्ज्वला योजना बराबर जो है दे रही है, 350 रुपये सब्सिडी आती है, पहले 1210 था, 200 रुपया कम किए। हाँ, वो 2-550 रुपये कम हो गए, गरीबों के लिए है ना। अरे बड़े लोगों के पास लड़के तो है, बच्चे हैं? हाँ बिल्कुल है। क्या करते हैं? हमारा लड़का सरकारी नौकरी में है। अच्छा। हाँ। कम नौकरी पाए थे?
अभी यही योगी राज में पाए, 4 महीने हुआ। किस चीज़ में? ये क्या कहते हैं इसमें, कानपुर लोकसभा बनारस में मौजूद हैं। आचार संहिता कभी भी लग सकती है, चुनाव का डेट कभी आ सकता है जी। क्या माहौल रहेगा बनारस में? भैया बनारस का माहौल जैसा हमेशा से रहा है, बाबा भोले की नगरी है और यहाँ चुनाव का माहौल अपने प्रधानमंत्री को चुनने के लिए, चुनाव हम लोग का इसके पहले भी वोट देते रहे, इस बार भी वोट, सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनते। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बनारस पिछले 3 चुनावों से प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहा है, इस बार भी प्रधानमंत्री का ही चुनाव होगा। यहाँ पे किए हैं मोदी जी, मोदी जी का काम आपको सड़कों पर दिखाई दे रहा होगा, जनता एकदम बम बम कर रही है, काशी की नगरी भोले की नगरी है, बम बम कर रही है। अखिलेश यादव तो कहते हैं सड़कों पर सांड खूब घूम रहे हैं, काम कहाँ दिख रहा है? सांड भी बाबा भोले की पहचान है, नंदी महाराज है, घूमने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो बोलते हैं किसानों की फसल को खा जाते हैं, किसानों की फसल तो सर जानवर है, जानवर अधिक होंगे तो फसल खाएंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, फसल खा रहे हैं, उसके लिए सरकार को उचित इंतजाम करने चाहिए। कर रही है कि नहीं सरकार? अब गांव की स्थिति तो सर हम लोग को यहाँ से नहीं पता चल पा रही है, लेकिन निश्चित रूप से सरकार काम कर रही है, दिख रहा है सड़कों पर जी। बनारस में माहौल मोदीमय है? मोदीमय 2014 के चुनाव से ही रहा है सर, और मुझे नहीं लग रहा है कि उनकी लोकप्रियता में कोई गिरावट आई है। विपक्ष यहाँ नहीं रहेगा कुछ लड़ेगा? सही, विपक्ष का रहना हमेशा अनिवार्य रहा है, इसके पहले भी, लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन 2014 के बाद से विपक्ष महज अपनी भूमिका निर्वहन करने के लिए विपक्ष बन के रह गया है, सड़कों पर दिखाई नहीं देता है जी। विपक्ष का होना अनिवार्य है, होना भी चाहिए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए, जो दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। विपक्ष को सड़कों पर रहना चाहिए, जनता के मुद्दों के लिए विपक्ष को सड़कों पर आना ही पड़ेगा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष को मजबूती से चुनाव लड़ना होगा। अभी इंडिया गठबंधन की जो बात चल रही थी, वो गठबंधन अभी सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा है, लोगों के दिलो दिमाग में जगह नहीं बना पा रहा है। चुनाव में देखना होगा कि इस बार वो विपक्ष उभर कर आता है या पहले की तरह ही केवल पेपर पे बन के रह जाता है। जनता का मुद्दा विपक्ष उठा नहीं पा रहा है, मतलब कहने का मतलब? जनता का मुद्दा जो है, जनता स्वयं उठा नहीं पा रही है। आप अगर हकीकत पूछें तो जो आज का युवा है, बेरोजगारी का दर निश्चित रूप से बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आ रही है, लोग चुनाव के समय धर्म के नाम पर ही वोट देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। धर्म अपनी जगह है, वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है, उसको आस्था के रूप में ही रखना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, चुनाव हमेशा मुद्दों पर होने चाहिए। विकास निश्चित रूप से इस सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में मैं मानता हूँ कि हमारा देश बहुत पिछड़ता जा रहा है। मूलभूत सुविधाएँ बढ़ रही हैं, लेकिन उसके साथ बेरोजगारी की दर भी बढ़ रही है। हम मंदिर मस्जिद के मुद्दों में उलझकर हमेशा जो हमारे जीवन दिनचर्या से संबंधित मुद्दे हैं, जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी मुद्दे हैं, उनसे भटक रहे हैं। चुनाव में मैं बाबा भोले की नगरी का रहने वाला हूं, भोले को बहुत मानता हूं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जीवन जीने के लिए रोज़गार की आवश्यकता होगी, रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता होगी। जिन महंगाई के मुद्दे पर आज कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए, विपक्ष को इन मुद्दों पर जनता को लाना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। धर्म की अफीम सूंघकर हम अपने मुख्य मुद्दों को न भूलने पाए, हम ये भी कहना चाहेंगे। आपको क्या लगता है जो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देकर देने का वादा कहकर मोदी जी आए थे, फेल हैं? सर आप भी हमें लग रहा है युवा हैं, इसी देश के नागरिक हैं, आप भी देख रहे होंगे आपके साथी कितने बेरोजगार घूम रहे हैं। 2 करोड़ तो मुझे लग रहा है कि शायद 20 लाख भी रोजगार, जो सरकारी रोजगार है, वो नहीं मिल पा रहे हैं प्रतिवर्ष 2 करोड़। आंदोलन कर रहे हैं लगातार, छात्र आंदोलन तो सर अब कम हो गए हैं, अब तो किसी की हिम्मत नहीं कि आंदोलन कर ले, अब तो मैं मानता हूं कि किसी की हिम्मत ही नहीं है कि आंदोलन कर ले। इसके पहले जो आंदोलन हुआ करते थे उसका रूप शायद आपने भी देखा हो, उम्र में आप हमसे कम मालूम पड़ रहे हैं, हमने भी आंदोलन देखा, मैं भी इलाहाबाद रह के तैयारी किया हूँ। अब वो ऐसा आंदोलन करने की न तो छात्रों में वो भूख रह गई है, न तो जो रोजगार पा चुके सरकारी सेवक हैं उनके अंदर किसी के बोलने की हिम्मत रह गई है। क्या कारण है ये? कारण देखिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए, सत्ता में कहीं ना कहीं गुमान आ गया है। 3 बार लगातार प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने का परिणाम होता है किसी के अंदर भी, राजा जब निरंकुश हो जाता है तो उसके अंदर गुमान आ ही जाता है। अगर मुख्य मुद्दों पर बात करें सरकार, मैं मानता हूं कि मुद्दे की बात करने के लिए विपक्ष का होना बहुत अनिवार्य है। विपक्ष कमजोर हुआ इसलिए मुद्दे कहीं ना कहीं जनता भटक जा रही है। बनारस के युवा हैं,
बातचीत करते हैं, क्या मोदी लहर इस बार बनारस में चलेगा या नहीं चलेगा, बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? पहले तो मैं सबको हर हर महादेव बोलना चाहता हूँ, ठीक है, बनारस की तरफ से। और रही बात मोदी लहर की, तो मोदी लहर पहले भी था और अभी भी आने वाले टाइम में भी मोदी लहर देखा जाएगा, क्योंकि हमारे पास विपक्ष है। विपक्ष में कौन है? पप्पू जी हैं। पप्पू जी के लिए कौन देगा? पप्पू जी कौन? अरे हम पप्पू जी नाम फेमस है, हर कोई जानता है। हम नहीं जानते, बताइए। पप्पू जी हमारे हृदय प्रिय राहुल गांधी जी। अच्छा, वो हमारे लिए पप्पू जी हैं। तो एक तरह से भी वो तो ख़त्म है, वो कितना भी कैंपिंग कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अभी तो उनका ढाल नहीं करने वाला है यहाँ पे। और रही बात मुद्दे की बात, तो मैं प्रधानमंत्री कोई भी बने, चाहे नरेंद्र मोदी बने या गलती से राहुल गांधी बने, तो यहाँ पे गलती से अच्छा बन गए, तो एक मुद्दा ये होना चाहिए कि विकास का मुद्दा होना चाहिए जो भी है, ठीक है, चाहे वो कोई भी किसी भी सत्ता है। और विकास क्या? विकास हम युवा इस टाइम युवा हैं। मोदी जी किए 10 साल में युवाओं का विकास की नहीं? अभी तो युवा विकास हमको एक तरह से नहीं दिख रहा है, लेकिन अदर आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन में, डेवलपमेंट में तो काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं जो सबके साथ प्रमाण है। सड़कें अच्छी हैं, तो हो सकता है इस बार युवाओं के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि आपने कहा, देखिए आपका क्वेश्चन जो एकदम जायज है, तो मोदी लहर था, है और रहेगा। अभी 1-2 दशक तक मोदी लहर रहेगा, उसका रीजन है डेवलपमेंट। पहले कोई डेवलपमेंट पे बात नहीं होती थी, धम के पीछे चर्चा होता था, धम के पीछे चर्चा आज भी होता है, लेकिन वो बातें पूरी होती हैं। बात रहा युवाओं के विकास के लिए, तो मैं आपको बता दूं भैया, पहले युवाओं के विकास पे भी उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, आज भी कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन पहले से इम्प्रूवमेंट है। जैसे मैं हम आपको बता सकते हैं, आज के युवा जो हैं वो शिक्षित हो गए हैं, खुद से कोई बिजनेस धंधा कर निर्भर हो गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं। और आत्मनिर्भर का पहला कारण है बढ़ती हुई भारत और बढ़ती हुई यहाँ की इकोनॉमी। इकोनॉमी बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली यहाँ के लोगों का पैसा बढ़ेगा। इकोनॉमी भारत का जो अर्थव्यवस्था है, जो रुपया है, किस स्तर पे पहुँच गया पता है? देखिए पहली बात, अगर इकोनॉमी की बात करें तो आज इंडिया की इकोनॉमी 3.72 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि बहुत जल्द 4 ट्रिलियन होने वाली है। और सुनिए, 10 सालों में कर्ज कितना बढ़ा है? 10 सालों में भैया अगर कर्ज की बात की जाए तो देखिए, हमारी सरकार 2 प्रकार की कर्ज लेती है, एक एक्सटर्नल डेप्ट, एक इंटरनल डेप्ट। इंटरनल डेप्ट भारत के ऊपर बढ़ा है, एक्सटर्नल डेप्ट भारत के ऊपर नहीं बढ़ा है। इंटरनल डेप्ट बढ़ने का मतलब है सरकार कभी भी चाहे तो वो स्टेट से लेती है बरोइंग, PSU से लेती है बरोइंग, वो अपना चुका सकती हैं, बाहर से भी लेती हैं। तो आप ये बताइए कोई भी बिजनेस लोन पे क्यों होता है? भैया कोई भी बिजनेस लोन पे होने का सबसे बड़ा मकसद यही है, क्योंकि वो चाहती हैं कि अपना पैसा कम लगे, ठीक है, और मैं तभी भी उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके मैं उसको पे आउट कर सकूं। जैसे आप अभी हाल ही में देख सकते हैं अटल ब्रिज जो मोदी जी ने अनावरण किया है मुंबई से नवी मुंबई के लिए, उसका टोल टैक्सन कलेक्शन जो है वो 200 रुपये है वो, और बनाने में कीमत है करीब 8 से 18 हज़ार करोड़ रुपए, जो कि टोल कलेक्शन के थ्रू 6 से 7 साल में वो दे सकती है। भारत में कर्ज कितना बढ़ा? 155 लाख करोड़। जब 2014 में आप सरकार में हम आए थे, मोदी जी सरकार में आए थे 2014 में, तो देश के ऊपर 48 लाख करोड़ का कर्ज था, 10 सालों में 155 लाख करोड़ हो गया है। प्रति व्यक्ति पे मैं बात करूंगा, प्रति व्यक्ति आय आज के डेट में 12,000 के आसपास समथिंग में है, और प्रति व्यक्ति कर्जा में बात करूंगा तो 1.25 लाख का कर्जा है, जो बच्चा पेट में आ जा रहा है उसके ऊपर 1.25 लाख कर्जा है, क्योंकि आबादी 133 करोड़। क्या कह रहे हैं भैया? एक बात हम कहना चाहते हैं, और मैं एक बात आपको बता दूं, इकोनॉमी की जो बात हुई है इस देश के, अभी आज की खबर है एशिया के टॉप 10 करेंसी में से हमारी करेंसी बाहर हो गई है। एशिया के टॉप 10 करेंसी में, जिसमें नेपाल आता है, भूटान आता है, पाकिस्तान आता है, जिसे हम रोज तो बन रहा है ना देश। एक मिनट, किस विश्वगुरु की कीमत क्या है? विश्वगुरु बनने की किस कीमत पे हम विश्वगुरु बन रहे हैं, और किस तरह से विश्वगुरु बन रहे हैं? विश्वमित्र है ना कि विश्वगुरु है। एक बात और समझिए, जो आप कह रहे हैं वो आप एकदम सही कह रहे हैं, और जो बात आप करेंसी क्या कह रहे हैं, तो कम से कम आपको रिपोर्ट भी ये भी पढ़ना चाहिए। अगर रिपोर्ट है तो अगर विश्व, अगर करेंसी आप कह रहे हैं कि टॉप 10 की करेंसी से बाहर आ गई है, एशिया की, आप एशिया की कह रहे हैं, टॉप 10 करेंसी से बाहर आ गई है, ठीक है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन कम से कम आप RBI की रिपोर्ट तो पढ़ सकते हैं। आप RBI सुनिए भैया, आप RBI की रिपोर्ट पढ़िए, इंडिया के ऊपर 2 प्रकार के डेप्ट होते हैं, एक्सप्लिसिट, सुनिए, एक्सप्लिसिट डेप्ट, इम्प्लिसिट डेप्ट।
ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक के टर्म से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों बाहर हुआ है और बाहर होने का रीजन क्या है। रीजन हमको चाहिए नहीं ना भैया। अच्छा हमको रीजन चाहिए नहीं, हमको इतना सा पता है कि मेरे देश की मेरे कंट्री की इमेज डाउन हुई है। आप इधर देखिए भैया, एक बात बताइए आप मेरे को, देश भुखमरी पे किस स्थान पे? आप हमको ये बताइए, हमारे देश देखिए। अगर आप भुखमरी की बात कर रहे हैं, आप भुखमरी की बात जरा सा गौर कीजिए। आप जवाब आप ही से चाहेंगे। चार आप कह रहे हैं 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम टच करने जा रहे हैं, ठीक है। देश की आबादी 130 करोड़ है। मोदी जी सदन में कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम दाल चावल दे रहे हैं। आपके लिए शेम की बात होनी चाहिए कि इस देश के 80 करोड़ जनता को आपको दाल चावल देना पड़ रहा है। देश 75 साल आजाद हुए हो गया भैया। देखिए आज हम खुले एक तौर से बोल दे रहे हैं, आज अगर इंडिया की बात करें ना तो वो आदमी भी राशन लेता है जिसकी आज इंकम 1.5 लाख रुपए महीना है। वो तो सरकार की कमी है ना, वो सरकार की कमी है, मैं मानता हूँ। मैं उस बात को मानता हूँ। आप 2 करोड़ रुपए सालाना 2 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा। आप 80 करोड़ की बात कर रहे हैं तो आप ये भी समझ लीजिए भैया कि पहले इंडिया की जो मतलब जो पॉपुलेशन है वो 145 करोड़ है। 145 करोड़ में अगर 80 करोड़ की बात होती है तो आप ये भी तो ध्यान दीजिए कि अगर सरकार रिपोर्ट निकालती है तो पॉवर्टी रेट भी निकालती है। पॉवर्टी रेट में हम पिछले हर साल से 5% दर घटता जा रहा है। पॉवर्टी का पैमाना क्या है आपके देश में? जिसके पास बिजली का कनेक्शन है, जिसके पास गैस का कनेक्शन है, जिसके पास गाड़ी है, ये सारे लोग पॉवर्टी लाइन के अबव हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। अब आप सुनिए, मोदी जी ने गरीबी नहीं खत्म किया, गरीबों को खत्म किया। कैसे खत्म किया? फ्री उज्ज्वला दे दिया, कनेक्शन फ्री में हो गए, पॉवर्टी लाइन से आप बाहर हो गए हैं, आप गरीबी। अब सुनिए, कनेक्शन फ्री दे दिया, पॉवर्टी लाइन के आप बाहर हो गए हैं, आप गरीबी। समझ रहे हैं? 400 रुपए का सिलेंडर 1200 में बिक रहा है, 50 रुपए का तेल 100 रुपए में बिक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, बहस भी हुआ, लोगों ने अपनी राय भी रखा, बताया कि मोदी जी ने क्या किया। कुछ लोग मोदी जी से नहीं खुश हैं, बताया कि विपक्ष मुद्दा नहीं उठा पा रहा, इसलिए सरकार तानाशाह हो जा रही है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।